हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज हम मैं बात करने लगे यार एनीमे की। यार माय डीमन एनीमे है यार। एक दिन घास में रेत का एक दाना मिला जिसकी लाल रंग की चमक आसपास बिखर रही थी। 10 सेंटीमीटर का होने तक वो 4 पैरों वाले डीमन में बदल चुका था। इसका नाम अना है। यार बहुत मजे किया यार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक मूवी सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मेरा मिल सके। यार आज हम बात करते हैं यार, इसमें ना स्टोरी ये है यार, दुनिया ना तबाह हो जाती है, ठीक है, और ना दूसरी दुनिया से ना क्रिएचर आ जाते हैं जो इंसान होता है ना उनको पसंद नहीं करते हैं। हर क्रिएचर को इंसान ना खत्म करने करता है। कोई भी क्रिएचर यार इतने बड़े बड़े होते हैं यार, काफी शहर तबाह कर देते हैं यार। तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ मॉम। चलो ठीक है, तुम ही मेरी दुनिया हो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कितनी प्यारी हो। कोई कोई इंसान है, ज्यादातर इंसान है इनको पसंद नहीं करते। कोई कोई इंसान ना इन क्रिएचर को ना अपना गुलाम बना लेते हैं, जिससे ना वो और क्रिएचर को खत्म करते हैं, पैसे लेते हैं। वैसे उधर एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जाती है जिससे ना क्रिएचरों को ना खत्म करने के लिए ना ये जो डीमन वगैरह होते हैं, ये जीव अजीब गरीब ये एलियन जो होते हैं इनको खत्म करें। यार मैंने हमारे हीरा बच्चा, ठीक है यार, उस ये डीमन यूजर्स हैं। यार से वो डीमन दोगे या मुझे कुछ करना होगा? एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, एक स्टोरेज डीमन को पकड़ने के लिए पूरे 100 मिलियन दे रहे हैं वो। उसकी ना माँ का ना मतलब किसी कोई ना डीमन होता है वो ना उसे मार देता है। उसके ना उसके साथ इसका एक एक डीमन होता है, उसने ना उसे दोस्त बनाया होता है यार। वो बड़ा प्यारा होता है, वो ना हर चीज़ों को ना स्टोर कर लेता है अपने अंदर ना यार। वो ना कहता है, बच्चा कहता है मेरी माँ को ना तुम स्टोर कर लो, क्योंकि यार वो जो स्टोर करता है ना जिस चीज़ों को है ना वो ना मतलब वक्त नहीं गुजरता। जैसे आपने कोई इसने नूडल्स आपने गर्म किए हैं, ठीक है, 4 दिन पहले, अब डीमंस तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। जो डीमंस किसी काम के नहीं होते उन्हें मार दिया जाता है, नहीं तो वो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो कहोगे अब निकाल, 4 दिन बाहर निकालते यार, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो अपनी माँ को छोड़कर उसकी माँ मर जाती है, फिर ना उसको पता चलता है एक डीमन है जिस जो ना टाइम को रिवाइंड कर देता है। वो चाहता है अपनी माँ को ना जिंदा करना फिर से यार, उसी खोज में वो निकल जाता है। अब उसको अब आपने ये देखना उसको कितनी मुश्किलों का सामना होता है, क्या क्या चीज़ें उसको कौन कौन इसका पीछा करता है। पार्टिकल जरूर उसके सिर के अंदर है, अगर वो अंडे से निकला तो लड़के का बचना नामुमकिन है। मतलब केंटो भी है, क्या क्या इसके साथ होता है, और बहुत इसके साथ बच्चे के साथ बहुत मुसीबत आती है। काफी लोगों से इसने बचना भी होता है, क्योंकि ना वहाँ पे ना ये अफवाह फैल जाती है, ये जो डीमन है ना बहुत खतरनाक होता है जो बच्चे के पास होता है, आदत का बहुत होता है, कहते हैं ना पूरी दुनिया को ना खत्म कर देगा। इस वजह से ना हर कोई इसके पीछे पड़ा होता है, और काफी से ना 10 मिलियन का ना इसके ऊपर इनाम भी रखा था, जो इस इलाके देगा ना उसको इतना इनाम मिलेगा। अब आपने दे देखना कितने क्रिएचर से उसका सामना होता है, कैसे वो अपनी माँ को बचा सकता है। या इंसानों से नफरत हो गई है, उसका अगला निशाना क्या है? ये लड़का और डीमन एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, तुम्हें कोई खतरा नहीं। जब तक तुझ जैसे कीड़े जिंदा है इंसान कभी चैन की सांस नहीं ले सकता। तुम आज भी हमारी नहीं इंसानों की ही तरफ। तुम तो वही हो। नहीं बचा पाएगा, क्या सीन होगा, और पूरी दुनिया लोग क्रिएचर को पसंद करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या इस सीरीज के अंदर जो जो होगा। ये एनीमे यार बहुत मजे की यार, एक दफ़ा आप एनीमे देखो आप दीवाने हो जाएंगे, आप बहुत मजे की एनीमे है। अब देखो आप यार एनीमे यार आपको पता है यार बहुत मजे की होती है यार, आप एक दफ़ा देखोगे ना आपका दिल करेगा मैं बार बार देखूँ। डीमन साथ नहीं रह सकते, तो रनों को देखा लगता है कि ये मुमकिन है। यार वीडियो खत्म करने से पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर मूवी सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मेरा मिल सके।